नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमरेश और स्वागत है आप सभी का महत्वज टेक्निकल में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं, उसके बाद हम कुछ बात करेंगे इन सब विषयों के बारे में। स्टोरी कुछ ऐसी है कि पिताजी और उनका एक बच्चा जो 18 साल का था, वो कहीं से ट्रेन में बैठ के लौट के अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो जब ट्रेन चली तो बच्चा एकदम से चिल्लाते हुए कहता है कि पिताजी देखो, हमारे साथ ये स्टेशन भी चल रहा है। तो वहां एक सज्जन बैठे थे जो कि अखबार पढ़ रहे थे। उनका ध्यान एकदम से टूटा और उस बच्चे की तरफ देख के मुस्काए और दोबारा से अखबार पढ़ने लग गए। थोड़ी दूर ट्रेन चली तो बच्चे ने कहा, देखो पिताजी, वो पेड़ हमारे साथ चल रहा है। सामने पढ़ते हुए सज्जन को बड़ा अजीब लगा कि इसके पिताजी इसको समझा क्यों नहीं रहे, सिवाय इसके कि बच्चा गलती करे जा रहा है और वो ऐसी गलतियां करने दे रहे हैं, या फिर ये बच्चा इतना बड़ा हो गया है, इसको इतनी भी समझ नहीं है कि स्टेशन साथ नहीं चलता, पेड़ साथ में नहीं चलते। जब ट्रेन ऐसी चलती है तो ऐसा प्रतीक होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये 18 साल के बच्चे को ये चीज नहीं मालूम। उस बच्चे ने खिड़की से नीचे झांक के देखा और फिर कहा, पापा देखो, ये जमीन भी हमारे साथ चल रही। तब वहां पे बैठे उस सज्जन ने उनके पिताजी से कहा कि ये बच्चा गलती पे गलती किए जा रहा है और आप इसे समझा नहीं रहे, या फिर आपने इसे 18 साल तक की उम्र में ये चीज नहीं सिखाया। तब उनके पिताजी ने कहा कि मैं इसको आइस के हॉस्पिटल से लेके आ रहा हूं, ये पहले देख नहीं सकता था। अचानक कुछ सज्जन को बड़ा जोर का झटका लगा, उन्हें अफसोस हुआ कि बच्चा आज से पहले कुछ देख नहीं पाता था। तब उन्हें एक और स्टोरी याद आ गई, जब चार अंधों से एक हाथी के बारे में पूछा गया और हाथी को सामने लाया गया और सबने अपने अपने स्तर से छुआ और बताया कि हाथी ऐसा है, हाथी इसकी तरह है, हाथी पिलर की तरह है। तो वही है कि आप किसी को देख के जजमेंट मत दीजिए, ये रियलिटी है कि आप किसी से 5 मिनट मिलते हैं, कहते हैं भाई जानता हूं मैं इस बंदे को, अब सारी बात जान गया हूं, या फिर कोई गर्ल्स मिलती है आपसे, अब मालूम है कैसी है, अब सब जानता हूं, अब देखते ही बता दिया भाई किस टाइप की होगी ये। ऐसी चीजें कहीं ना कहीं जिससे आप कह रहे होते हैं उसके सामने भी वो छवि आपकी खराब कर रही होती है। आप उसकी नहीं खराब कर रहे, कहीं ना कहीं उसके सामने आप अपनी ही खुद की छवि खराब कर रहे होते हैं। तो किसी के बारे में ऐसे 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट में जजमेंट मत दीजिए। इनफैक्ट जजमेंट देने का कोई हक ही नहीं है हमारा। या तो समझाइए, बतलाइए, नहीं तो फिर उस पर अमल ही मत करिए। ये जरूरी नहीं कि किसी ने शॉर्ट्स पहने हुए हैं तो लड़की मनचली है, या फिर किसी लड़के के बाल खड़े हैं तो यह आवारा है। ऐसी धारणाएं, ऐसी सोच कहीं ना कहीं नैरो माइंडेड थिंकिंग को दर्शाती है कि आप डेवलप नहीं हुए, सिवाय इसके कि आप दूसरों पर उंगलियां उठा रहे हैं। और दोस्त ये कोई और नहीं होते, ये वो हमारे दोस्त ही होते हैं। और मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि गुनाह करके सजा से डरते हैं, जहर पीकर दवा से डरते हैं, दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, हम तो दोस्तों की वफा से डरते हैं। और आज मैं आप सबसे फिर से कह रहा हूं कि इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप में एक खबर है। जब से सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये सारी चीजें आई हैं, तब से हर व्यक्ति अपने आप में एक खबर है। आप किसी के बारे में 50 चीजें निकाल सकते हैं, उसकी अच्छाइयां बुराइयां, तो सिवाय इसके आप अपने बारे में बुराइयां ढूंढिए, वो ज्यादा बेटर है। तो आज से एक वादा जरूर करिए अपने आप से, आप भी और मैं भी, कि किसी को ऐसे 5 मिनट 10 मिनट में उसको जजमेंट दे देना ये गलत है, सिवाय इसके कि उस चीज से कुछ सीख लेना। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और आप इन सब चीजों के लिए मेरे पर्सनल अकाउंट इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।